राम लाला के साले हैं, अभी भी हम प्रभु का अधिकार मिल गया। राम लाला के क्या हैं? साले हैं, ससुराल से आए हैं। तो क्या कहिएगा अपने साले के लिए? साले तो उनके है ना, इसीलिए तो दिलवाले हैं। हमारी बहन को उनका अधिकार मिल गया, उनको घर मिलने से ज्यादा लेकिन चल नहीं पाते थे, लेकिन अभी जो है भगवान प्रभु श्री राम का कृपा है कि कम से कम 5 किलोमीटर चल पा रहे हैं कुछ दिनों से। एक दिन में कितना दूरी तय कर लेते हैं? 5 किलोमीटर अभी। 5 किलोमीटर हम देखे, एक लड़का था पीछे, वो करीब करीब हमको लगता है एक घर फटाके रखे हुआ था, मतलब 5-10 बोरा बड़ा बड़ा बोरा में। हमको बोला गुरुजी देख रहे हैं पूरे खरीद के रखे हैं, जलाएंगे हम लोग। हाँ पूरे में हम गुम हो गए। देखिए वो लगता है एनएच पर जलाएंगे, एनएच बंद रहेगा। हम जी चार भाई थे, तो हम चारों भाई से मांगेंगे कि 100-100 सीट चारों भाई दे दें, और 400-500 3 महीना हो गए। 3 महीना पहले से आप लोग निकले हुए, कब तक पहुँचिएगा? अभी 1-1.5 महीना और लगेगा। एक ही ऐसा मंदिर है जहाँ के मुख्य पुजारी महिला है। अच्छा। और हमारा नाम कामेश्वर कुमार मिश्रा किशोरी जी है, और इनका नाम अवंतिका मिश्रा किशोरी जी। देख सकते हैं कि अल्लाह स्थान से अयोध्या दंडी यात्रा तक के लोग ऐसे ही करके, पति और पत्नी जो है अयोध्या जा रहे हैं दंडी यात्रा करके। आइए इनसे भी कुछ बात कर लेते। सीताराम, जय जय सियाराम, सभी सनातन प्रेमियों को जय जय सियाराम। अच्छा, कब से आप लोग ये ठान लिए कि हम दंडी यात्रा करके ही अयोध्या जाएंगे? हम लोग विजयदशमी 24 अक्टूबर 2023 में मतलब निकल चुके थे अपने स्थान से अयोध्या राम जन्मभूमि को दंडी यात्रा के लिए। अच्छा, इस बीच क्या क्या बहुत सारा परेशानियां भी आप लोगों के बीच आता होगा सड़कों पे? परेशानी कोई नहीं होता है, सभी जगह बहुत अच्छा है। लोगों का सहयोग अगर और परेशानी मिलता तब तो यहाँ तक रहते ही नहीं। अच्छा। परेशानी कुछ नहीं है तभी आज यहाँ तक है। अच्छा, इस बीच तो आप लोग पूरे थक जाते होंगे? कभी नहीं थक जाते, पांव से चलते हैं, थक जाते जाते तो कभी आराम कर लेते ना, आराम नहीं करते हैं ना, रोज चलते हैं। अच्छा, अभी यहाँ से लगभग 180 किलोमीटर दूरी तय करना है जी, रोज चलते हैं हम लोग करीब। पहले तो 3 किलोमीटर ही मतलब चलते थे, सोते थे ज्यादा लेकिन चल नहीं पाते थे, लेकिन अभी जो है भगवान प्रभु श्री राम का कृपा है कि कम से कम 5 किलोमीटर चल पा रहे हैं कुछ दिनों से। एक दिन में कितना दूरी तय कर लेते हैं? 5 किलोमीटर अभी। 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर चल रहे हैं। हाँ, तो लगभग हमको लग रहा है अभी भी 30-35 दिन लग जाएगा। हाँ, जो प्रभु की इच्छा है जितना दिन चाहे उतना दिन लगा सकते हैं। अच्छा। बाकी इच्छा तो हर दिन रहता है कि प्रभु के चरणों में ही सांस ले। आप देख सकते हैं इस हाईवे के बीच भी बहुत सारे लोग जो है इन लोगों के देखने के लिए आ रहे हैं, और प्रभु श्री राम के चरण में जाने के लिए लोग एकदम उतावला हुआ है। हालांकि पूरा यूपी नहीं, पूरा देश जो है राममय तो हो ही गया है, विश्व राममय हो गया है। पूरे विश्व में राममय हो गया है। लंदन, कहां कहां से लोग पहुंच रहे हैं। आप भारत की बात करते हैं, पूरे सृष्टि में राममय हो गया है, पूरे सृष्टि से लोग आ रहे हैं। अच्छा, ये अयोध्या में 500 सालों का विवाद जो है आज खत्म हो गया, जो राम मंदिर बन गया। क्या आप लोगों के लगता था कि आज मंदिर बनना भी संभव था और जो आज संभव हो गया, क्या उम्मीद था आप लोगों को? ये जो है राम मंदिर कहीं ना कहीं बनना ही था, लेकिन किन जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे उनके हाथ से बनना था। अच्छा। हाँ, जो चाहे हैं वही बना है। पहले कोई चाहते ही नहीं थे कि ये मंदिर बने, इसको मुद्दा बना के रखे हुए थे, और बहुत अच्छा लगा कि मंदिर बन गया, और 2024 में उसका ओपनिंग भी हो गया, पूजा प्राण प्रतिष्ठा भी कल होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग आए गए, लेकिन इन्हीं के हाथ से होना कुछ ना कुछ प्रभु का कृपा था। अच्छा, तो बहुत सारे लोग जो है इसी राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं। देखिए, जो जितना ही जानता है वो उतना ही करेगा, विरोध कोई नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता ही नहीं है। वो तो अपना परिवार चलाने के लिए, रोटी सेकने के लिए विरोध करता होगा। हाँ, और वैसे प्रभु श्री राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो उनका विरोध कोई नहीं करता होगा, और जो विरोध करता है वो पार्टी पॉलिटिक्स करता है। अच्छा, वो कहीं ना कहीं वो राजनीतिक षड्यंत्र, राजनीति ही करता है राजनीति। अब तो देखिए, ये अब जो है किसी का अब दाल गलने वाला है नहीं, तो दाल गलने वाला नहीं है, तो इसीलिए अब जो है रोटी सेक रहा है। अच्छा, बाकी जो जितने भी राम भक्त हैं उन्हें क्या संदेश दीजिएगा? यही संदेश देंगे कि जो कल 22 जनवरी है, और 22 जनवरी को कल जो है हम पीछे थे, तो जैसे लग रहा था कि पूरा भगवा में हो गया है, हर एक घर पे अपना अपना झंडा लगा ले और रात को दिवाली मनाए,
और हम सबसे प्रार्थना करके कहेंगे कि पटाखा का प्रयोग ना कर कर उससे ज्यादा दिवाली मनाए, क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत। अच्छा, घर में दीप जलाए, दिया जलाए, वो कुम्हार का दिया कल मिलेगा ही नहीं, इतना दिखेगा ना, मिलेगा ही नहीं मिलेगा, उनको तो रोजगार मिला कम से कम, दो पैसा कमाएगा, कल मिलेगा ही नहीं कल, क्योंकि हम देखे एक लड़का था पीछे, वो करीब करीब हमको लगता है एक घर फटाके रखे हुआ था, बोला पांच दस बोरा, बड़ा बड़ा बोरा में, हमको बोला गुरु जी देख रहे हैं पूरे खरीद के रखे हैं, जलाएंगे हम, फोड़ेंगे हम, गुम हो गए। देखिए वो लगता है एनएच पर जलाएंगे, एनएच बंद रहेगा थोड़ा देर तक, हम बोले देखिए कैसे लोग सब हैं, ये राम में पूरा ये हो गया खुश, हम मना किए कि इतना नहीं जलाना, नहीं गुरु जी वो जला के उसमें डाल देना है, वो सब जलता रहेगा खुद। अच्छा। तो बहुत अच्छा लगा। तो कहीं ना कहीं हम बताएंगे कि दीपक का प्रयोग करें, झंडा लगाएं, फटाका का प्रयोग बच्चे लोग ना करें, क्योंकि उत्साह बहुत ज्यादा है, और फटाका का प्रयोग हमारे ऐसे ऐसे बुजुर्ग लोग करें, क्योंकि बुजुर्ग लोगों को फटाका फोड़ना है, क्योंकि ये पूरे बचपन से देख के आए कैसे जलाना है। हम लोग तो छोटे से बच्चे हैं, हाथों जल जाएगा क्या बाबा। देख सकते हैं भैया भी कार रोक कर आए हैं देखने के लिए, क्या कहिएगा इन पति पत्नी को जो डांडिया तरह करके अयोध्या जा रहे हैं, क्या कहना है, ये त्याग की भावना है और सब। हाँ, सबके संभव हो सकता है, क्या सब 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 लोग नहीं कर सकते हैं। अच्छा। जिसके अंदर त्याग होगा और आत्मसमर्पण होगा और आ रहे हैं, बहुत बड़ी त्याग है, बहुत तपस्या है, बहुत त्याग है। क्यों रुके हैं, देखकर कार रुके हैं, अब भक्त जन थे थोड़ा सा रुके, थोड़ा देखा गया वही लोगों से मुलाकात हो जाएगा तो थोड़ा कुछ भी एक अंश भी हम लोगों को मिलेगा। अच्छा, आपको भी कुछ अंश मिले, बहुत बड़ी चीज है, मिल रहे तो बहुत बड़ी चीज, भक्ति है, भक्ति लाइन में कहीं भी रुक जाएंगे। अच्छा। जरूर कहीं मंदिर देखते हैं, कहीं भी देखते हैं तो प्रणाम करते हैं। हाँ। तो भक्त है, तुम भक्तों से मिलने से भी जो है, हाँ, ये भक्ति की भावना। सब लोग राम भक्त हैं, सब लोग राम भक्त, सब लोग राम भक्त। लेकिन क्या कीजिएगा, दुर्भाग्य की बात है कि इसी भारत में कुछ लोग रावण का भी भक्त हो गए हैं, उन लोगों को क्या कहिएगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए रावण का भक्त, रावण को भी ऐसा मत समझिए कि रावण, रावण जो है समय आ गया है, अभी कौन मारा जाएगा उन लोगों को, हम कहेंगे वहाँ चले जाए, क्या कहिएगा आप। राजनीति में लगने वाला है, देखिए 24 बहुत नजदीक आ गया, चक्कर की 24 चल रहा है, चिंता है और चिंता नहीं है, हैट्रिक होने वाला है। अच्छा, हैट्रिक होने वाला है, 400 पार। अच्छा, 400 पार, ये बाबा जी का ऐलान है कि हैट्रिक होने वाला है और 400 प्लस, क्योंकि राम जी चार भाई थे। अच्छा, तो हम चारों भाई से मांगेंगे कि 100-100 सीट चारों भाई दे दें और 400 पार, राम जी चार भाई 100-100 सीट देंगे, 400 प्लस पक्का। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए जो बनाते मंदिर उसके लिए हम खुशी करते हैं। अच्छा, तो मंदिर कोई भी बनाया है तो उनपे हम बहुत खुश हैं। अच्छा, और कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं भगवान का आशीर्वाद उन पर था जो मंदिर बना है, तो 300 शायद हो गया था, तो हम भगवान से गोराएंगे कि 300 से अधिक नहीं दिए थे, तो 100 और दे दीजिए थोड़ा सा, थोड़ा सा 400 हो गया ना। बोलिए जय श्री राम। आप देख सकते पूरा हाईवे जय श्री राम, नहीं गलेगा किसी का दाल। अच्छा, क्योंकि अब आ गया है अयोध्या में दशरथ का लाल। जय श्री राम, देख सकते बीच हाईवे का ये नजारा है और पूरा हाईवे जय श्री राम, जय श्री राम गूंज रहा है, और इन लोगों से मुलाकात भी लोग कर, लोग जो है कर रहे हैं। अब आप लोग यहाँ से सीधा फिर अयोध्या के लिए निकल रहे हैं। आज एकादशी है, अभी हम लोग कुछ फलहार करेंगे। अच्छा, फिर निकलेंगे। अच्छा, क्या नमक की चीजें नहीं खाते? नहीं नहीं, कुछ कैसे संभव है, एकादशी है, और ये भी बता दे कि कल से हम लोगों को दिन में नहीं, कुछ नहीं खाना है अब कल से, क्योंकि कल प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा प्रभु को, जब तक दर्शन नहीं होगा तब तक। और पहले क्यों नहीं निकले कि आज के दिन आप लोग वहाँ रहते हैं, कल के दिन? ऐसा नहीं है, प्रभु का जब आदेश होगा उस समय, समय फिक्स नहीं हुआ था कि 22 तारीख को ही प्राण प्रतिष्ठा होगा, समय और हमको इस समय से कोई लेना देना नहीं है, बस खुशी इतना है कि प्रभु जी है, अभी भी हम प्रभु को अधिकार मिल गया। राम लाला के क्या है, साले है, ससुराल से आए हैं, तो क्या कहिएगा अपने साले के लिए, साले तो उनके है ना, इसलिए तो दिलवाले हैं, हमारी बहन को उनका अधिकार मिल गया है, उनको घर मिल गया है, राम लाला के साले हैं इसीलिए निराले हैं। अच्छा, एकदम, इसीलिए किसी से ना डरते हैं, ये भगवा चोला पहन के सीधे चल दिए हैं। तो बाकी आप देख सकते हैं, और इन दोनों पति पत्नी के बारे में आपको क्या कहना है जो डांडी यात्रा करके अयोध्या तक पहुंचेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री राम।